एवरीवन, माई सेल्फ स्वयं ठाकुर, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी सेंटर। मेरे प्यार साथियों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस मैंने आपको बताई थी। बहुत अच्छे से मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। और जैसा कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनकी पहचान क्या होती है और अनुवाद के नियम क्या होते हैं। बहुत अच्छे से बताएंगे आज की वीडियो में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो को अच्छे से देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस के पहचान अनुवाद के नियम के साथ बाय शिवम स्टडी सेंटर। मेरे प्यार साथियों, पहचान अनुवाद के नियम रहे ये। इनकी पहचान है, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होने से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। जी हाँ, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होने से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, तभी तो कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, राइट। और देखिए मेरे प्यार साथियों, अनुवाद के नियम है, हमारा पहला नियम है, ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए विल सेल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए विल सेल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पहचान अनुवाद के नियम समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा अनुवाद का नियम रहा ये, अन्य सभी नियम पॉजिटिव सेंटेंस के समान ही हैं। जी हाँ, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बताए थे, अन्य सभी नियम पॉजिटिव सेंटेंस के समान ही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो हमारी उस वीडियो को ज़रूर देख लो। आपको अंग्रेजी बोलने या सीखने में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस किस तरीका से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, कैसे होते हैं। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस का हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। देखिए मेरे प्यार साथियों, यदि आपको कन्फ्यूजिंग है कि किस सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, तो अनुवाद के नियम में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये देखिए, ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए विल सेल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, हमने नॉट के लिए विल सेल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया। ये देखिए, हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, विल सेल तथा उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया और हैव के बीच में, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे प्यार साथियों, आपको मेरे चैनल पर कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बेसिक्स अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ, हम 2 बजे से खेल नहीं रहे होंगे। वी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हम 2 बजे से खेल नहीं रहे होंगे। वी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 1 महीने से पढ़ नहीं रहा हूँगा। आई सेल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। मैं 1 महीने से पढ़ नहीं रहा हूँगा। आई सेल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। चले मेरे प्यार साथी, और देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। वे 10 दिन से जा नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 10 days। वे 10 दिन से जा नहीं रहे होंगे। They will not have been going for 10 days। मेरे प्यार साथियों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह 1 साल से स्कूल जा नहीं रहा होगा। He will not have been going to school for 1 year। वह 1 साल से स्कूल जा नहीं रहा होगा। He will not have been going to school for 1 year। मैं आपसे 1 महीने से पूछ नहीं रहा हूँगा। I shall not have been asking you फॉर 1 month। मैं आपसे 1 महीने से पूछ नहीं रहा हूँगा। आई सेल नॉट हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 month। चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथी, और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप 2 घंटे से पुस्तक खरीद नहीं रहे होंगे।
यू विल नॉट हैव बीन बाइंग बुक फॉर टू आवर्स, आप दो घंटे से पुस्तक खरीद नहीं रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन बाइंग बुक फॉर टू आवर्स, मैं दो बजे से आपको याद नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन मिसिंग यू सिंस 2 o'clock, मैं दो बजे से आपको याद नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन मिसिंग यू सिंस 2 o'clock, शिवम दो महीने से पढ़ा नहीं रहा होगा। शिवम विल नॉट हैव बीन टीचिंग मंथ्स, शिवम दो महीने से पढ़ा नहीं रहा होगा। शिवम विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months। चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं आगे सेंटेंस। तुम दो घंटे से अनुभव नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours, तुम दो घंटे से अनुभव नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours, मैं देर तक पढ़ता नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं देर तक पढ़ता नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं 5 साल से देख नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन सी फॉर 5 years, मैं 5 साल से देख नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन सींग फॉर 5 years। चलिए मेरे प्यार साथी और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। हम 2 साल से रो नहीं रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years, हम 2 साल से रो नहीं रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years, मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन लविंग यू, मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन लविंग यू। तो मेरे प्यारे साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो। मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से नेगेटिव सेंटेंस को बता दिए हैं। आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखिए और मेरे प्यारे साथियों अपने दोस्त में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका 1 सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं कल एक और ज़बरदस्त और मस्त वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।